गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ओपन योर मैथ्स बुक चैप्टर 11। एक्सरसाइज 11.1 अपन ने कर ली थी, आज अपन 11.2 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर आप 80 निकालिए। एक्सरसाइज 11.2 करने से पहले हमें थोड़ा सा मेथड है वो समझना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। ठीक है, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे निम्न नंबर। ठीक है, उस इफ़ फ्रैक्शन इज सेट टू बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सबसे आसान तरीका। इन द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज वन। फ्रैक्शंस 1/2, 2/3, 5/7 एंड 9/13 आर ऑल इन देयर लोवेस्ट टर्म। क्यों? क्योंकि बेटा अब आप आराम से समझिएगा, 1/2 है। ठीक है, 1/2 ये दोनों अलग अलग टेबलों से जाएगा। ठीक है ना, जैसे 2/3 है तो 2 की टेबल में 2 आएगा और 3 की टेबल में 3 आएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग नंबरों से जा रहा है ना, और सबसे छोटा नंबर, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 13 1 जा 13। अब देखिए सब में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, सबसे छोटा नंबर आ रहा है, 1/1, 1/1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा लोवेस्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, लोवेस्ट टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या आ रहा है, हमारा 1 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। देखिए आ रहा है क्या कहीं पे 2 या 3 कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लोवेस्ट टर्म क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या आएगा, 1 1 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 समझते हैं हम। रिड्यूस दिस फ्रैक्शन इन देयर लोवेस्ट टर्म। अच्छा, इसके दो मेथड है बेटा, लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट वाला मेथड समझेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अपन जब क्लास में आएंगे ना, तब इसको मैं थोड़ा सा और आपको आइडेंटिफाई कर दूंगी, लेकिन अभी अपन इसका शॉर्ट वाला मेथड समझते हैं। मैंने आपको एचसीएफ लेना तो बता रखा है ना सबको। देखिए 8/20 है, तो हेयर न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमीटर इज 20। ठीक है, लेट अस फाइंड द एचसीएफ 8 एंड 20। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 एंड 20 का आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 कौन कौन से टेबल में आया, 1, 2, 4 एंड 8, और 20 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अब इसमें 8 है, इसमें 8 है क्या, नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20 आर 1, 2 एंड 4 हुआ, लेकिन हाईएस्ट कौन सा हो गया, 4 हो गया। मतलब अब 8/20 को किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन अब हम इसको शॉर्ट मेथड में करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट आपको करवाती हूँ, तो देखिए 8 और 20 2 की टेबल में आता है क्या, ए की टेबल से जाना चाहिए, दोनों नंबर ए की टेबल से जा। अगर हम 8 से करते तो 2 4 8 और 2 10 20, लेकिन फिर वापस ही जाएगा। अपन ए की टेबल ऐसा ढूंढना है अपने को कि दोनों नंबर ये ए की टेबल से चले जाए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो देखिए 2/5 आ गया ना। अब 2/5 तो और किसी नंबर से जाएगा ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट ये वाला मेथड अपनाएंगे। ओके, डायरेक्ट टेबल वाला मेथड अपनाएंगे। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 11.2। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन इट्स लोवेस्ट टर्म। अभी आपको मैंने समझाया ना लोवेस्ट टर्म, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर क्या आना चाहिए, 1 1। अब देखिए 8/9 है, तो 8/9 तो एक टेबल में आता ही नहीं है, तो 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। ये आपको अपनी समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। और इसे आप कैसे लिखेंगे, आपको पता चल गया है कि 8/9 लोवेस्ट टर्म है, तो क्या लिखना है, 8/9 इज द लोवेस्ट टर्म। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके देख लिया ना, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो मतलब 8/9 इज द लोवेस्ट टर्म। ओके, बी वाला 12/14। अब देखिए 12/14 है, तो 12 तो 2 की टेबल से जा रहा है ना। देखिए 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14, 6/7 आ गया, तो 12/14 इज नॉट द लोवेस्ट टर्म। ठीक है, ये लोवेस्ट टर्म नहीं है ना,
तो अपन को क्या लिखना है 12/4, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, इसमें सिर्फ डायरेक्ट लिखना है 12/14 इज नॉट द लोवेस्ट टर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। अभी मैंने इसको भी बताया था। अब देखिए 9/33 है, तो 9 किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ गया इसका आंसर, 3/11 आंसर आ गया। क्या आ गया, 3/11। ठीक है, अब देखो 3 और 11 किसी दूसरी टेबल से तो जा ही नहीं सकता है ना, तो ये आपको मैंने, अच्छा आप सोचोगे कि कैसे किया मैम ने, तो आप इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। जिसका मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0 आता है वो आंसर सही होता है। अब जैसे 3 की टेबल में 9, तो क्या किया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0। अब 3 की टेबल से वापस 11 33 को करके देखते हैं, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 गया 0, वापस 3, 3 1 ज़ा 3, तो 3 में से 3 गया 0। ठीक है, तो 3 3/11 इसका आंसर आया। ओके, ऐसे हम ई वाला करके देखते हैं, 108/220। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपन छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 108 को 2 से डिवाइड करके देखें। देखिए 108 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 8, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 गया 0, मतलब 2 की टेबल से 108 तो जा रहा है। अब अपन देखते हैं 2 की टेबल से 220 जाता है क्या, देखिए करके देखते हैं हम लोग। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया 0, वापस क्या नंबर उतारा हमने, 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, ये वाला 0 कहाँ गया, मतलब ये 2 की टेबल से जा रहा है ना। हाँ अच्छा, अब इसके अलावा देखते हैं अपन, अब देखो अगर हम इसको 2 की टेबल से करते हैं, लेकिन 54 और 110 ये तो फिर वापस चला जाएगा। अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये पूरा पूरा आंसर चला जाए, अपने को बार बार काटना नहीं पड़े, इसको बार बार डिवाइड नहीं करना पड़े। तो 2 की टेबल से तो जा रहा है, 3 की टेबल से करके देखते हैं अपन, चलो 4 की टेबल से करके देखते हैं एक बार अपन, है ना। तो 108 है, तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 8 का, अब 4 की टेबल में 28 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 4 7 ज़ा 28, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो कितनी टाइम्स बार गया, 27 टाइम्स बार गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम 4 की टेबल को किससे करते हैं, 220 को करके देखते हैं, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 2 का 2 आया, 2 में से 2 गया 0, ये वाला 0 हमने यहाँ उतराया, 2 5 ज़ा 20, अब देखिए, ठीक है, अब क्या आंसर आ गया हमारे पास, मतलब 4 की टेबल से 108 और 220 दोनों नंबर जा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आया, 27/55। अब क्या 27 और 55 किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हमारा सम सॉल्व हो गया है, हो गया ना 27/55 आंसर, तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म हो गया है। ठीक है, ये क्या है, लोवेस्ट टर्म, आप कर सकते हैं ना इसे, तो इस तरीके से आप कोशिश करिएगा कि आप ये सम करेंगे ना, आराम से करना, समझ के करना, तो आपको ये सम सारे आ जाएंगे। ओके, गुड डे।